और बाकी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उन सब में वही रिपीट हो रहे होते हैं ठीक है सिर्फ इट्स इलेवन उसमें दो दफा वन आ रहे हैं तो बेसिक तो डिजिट्स हमारे पास होते हैं से लेकर नाइन तक और फिर उन्हीं को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं डिफरेंट अमाउंट्स में लिखते हैं टू ऑप्टेन इवन बिलियंस एंड नंबर्स अब यहाँ पर हम कह रहे हैं तो जो भी नंबर हो उसको आप दो नंबर मल्टीप्लाई करने से पा सकते हैं उसको हासिल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर फोर है तो टू को टू से मल्टीप्लाई किया आपको फोर मिल गया जीरो को फोर से मल्टीप्लाई किया आपको जीरो मिल गया इस तरह जब भी आपको जो भी नंबर चाहिए आप अगर देखें आप उसको दो नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हो द सेम गोज फॉर वन इफ यू मल्टीप्लाई वन ट्वाइस आपको वन दोबारा मिल जाएगा

ठीक है जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो और जो नंबर आपको मिलता है उनको मल्टीप्लाई करने से उनको नाम दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सको कि अच्छा इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है ठीक है यू मल्टीप्लाई टू तो आपको प्रोडक्ट मिलता है उस दो नंबर का अब हम उनके बारे में बात करेंगे एंड वी विल डिफाइन डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टर्म्स इन मैथमेटिक्स सबसे पहले हम बात करें हैं प्राइम नंबर्स की बहुत ही एक अहम टर्म है प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने अलावा दो और नंबर से एक्सप्रेस हो सकता हो इनफैक्ट अपने आप को इंक्लूड करके तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप सिवाय दो नंबर्स के और किसी नंबर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते प्राइम नंबर्स कैन ओनली बी एक्सप्रेस एज वन एंड द नंबर इट तो वन से मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर खुद है अपने आप से मल्टीप्लाई होगा उसके अलावा प्राइम नंबर्स के और कोई भी फैक्टर्स नहीं होते कोई और नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर नहीं मिल पाता इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी सो इफ यू इट हमारे पास आ रहे सबसे पहले वन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस वी एक्सप्लेन दिस की वन को आप किस तरह एक्सप्रेस करते हो वन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई वन आप वन को सिर्फ वन से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वन का एक ही फैक्टर है वो क्या है वो वन खुद है टू टू को आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो टू मल्टीप्लाई बाय वन तो एक वन हो गया उसका फैक्टर और दूसरा टू हो गया सिर्फ दो ही नंबर किया एक वन है और एक टू खुद है सेवन को अगर हम देखें सेवन इज इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई बाय वन और दुनिया के किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपको सेवन नहीं मिलेगा सिवाय सेवन को और वन को मल्टीप्लाई करने के तो कौन से दो नंबर इसको एक्सप्रेस करें हैं वन एंड सेवन इट सेल्फ द सेम इज ट्रू फॉर ऑल दी अदर नंबर जो यहाँ लिखे हुए और इनके अलावा भी कई प्राइम नंबर्स हैं जो आप आगे जाकर इंट्रोड्यूस हो गए जिनसे और अगर आप खुद से भी रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के साथ डिवाइड होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं दैट इज वन एंड द नंबर इट तो इन फ्यूचर क्लासेज वी लर्निंग मोर अबाउट दिस बट अभी आपको सिर्फ टर्म्स इंट्रोड्यूस कराया गया है कि प्राइम नंबर होता क्या है तो प्राइम नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसको सिर्फ दो नंबर से एक्सप्रेस किया जा सके एक नंबर उनमें से वन होता है और दूसरा नंबर वो नंबर खुद होता है तो जो भी वो नंबर है इफ इट्स थर्टीन इट्स नाइन वो नंबर खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना लेट्स मूव फर्दर

तो उन्होंने दोनों नंबर्स 35 और 187 को किससे रिप्रेजेंट किया है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कोई से दो फैक्टर्स से 17 एंड 11 आर फैक्टर्स ऑफ 187 अब ये लिखने का तरीका या बताने का तरीका ये है कि दो तरीकों से आप इस एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो पहला क्या है कि 17 और 11 जो हैं वो 187 के फैक्टर्स हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है जो कि 187 है दूसरा तरीका है 187 इज अ मल्टीपल ऑफ 17 एंड इलेवन तो पहले आप इन दोनों नंबर को फैक्टर कह रहे थे 187 का अब आप वन को मल्टीपल कह रहे हो इन दो नंबर का तो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो या दो नंबर्स का आउटकम जो होता है उसको हम उसका मल्टीपल कहते हैं However, जो आपके पास फैक्टर्स कौन से हैं फैक्टर्स हैं सेवन और फाइव क्यों क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिला है थर्टी फाइव का एंड देन वट इज योर मल्टीपल

87 डिवाइड बाय 5 आपको एक सम दिया हुआ है उन्होंने ओके फॉर डिवीजन एंड दे आर आस्किंग यू टू डिवाइड इट हमने उसको डिवाइड किया है 5 ones are 5 आया है वी सबट्रैक्टेड इट वी गॉट अ 3 7 को हमने कैरी डाउन कर लिया 37 आ गया 5 के टेबल में 37 नहीं आता पर 35 आता है सो वी डिड 5 7 35 एंड आपका रिमाइंडर बच गया 2 अब यहां पर वो कह रहे हैं कि 87 को आप किस तरह तो से रिप्रेजेंट कर सकते हो 87 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाई से मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस टू इज इक्वल सेवन यही हुआ है ना कि आप देख रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 85 आ जाएगा उसमें आप दो और ऐड कर दोगे तो 87 बन जाएगा तो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट नंबर्स अगेन डिविडेंड होता है डिविडेंड क्या होता है वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो 87 यहां पर आपका डिविडेंड है क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन होता है जो आपका आंसर आता है जो ऊपर आता है सो दिस इज योर क्वेश्चन जिससे आप डिवाइड कर रहे करे so जिसको आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज योर डिविडेंड जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज योर डिवाइजर एंड अल्टीमेटली रिमाइंडर तो हम सबको पता है जो नंबर एंड पे रह जाता है जो सॉल्यूशन में नहीं आता विच इज लेफ्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द रिमाइंडर सो व्हाट डू वी हैव डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर और आप हमेशा अपने डिविडेंड को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो बाय राइटिंग क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर तो आपका यहाँ वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड देन यू विल एड योर रिमाइंडर जो भी आपके पास रिमाइंडर अगर जीरो है तो जीरो एड हो जाएगा अगर टेन है तो टेन ऐड हो जाएगा इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे अपने डिविडेंट को दीज आर टू वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग यूर नंबर लेट्स गो सी फर्दर और वी कैन एड टू इट अब हम इस लेक्चर की एक्चुअल की पॉइंट है उसकी तरफ आ रहे हैं नाउ डिफाइनिंग तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत देखा है कि ये इस नंबर का फैक्टर होता है ये इस नंबर का प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं अब हम बता रहे हैं कि एक्चुअली फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है तो वो नंबर जो किसी डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े ऐसे नंबर को हम उसका फैक्टर कहते हैं जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा है कि 35 का फैक्टर है सेवन और फाइव क्यों क्योंकि वो दोनों जो है उनको आप डिवाइड कर सकते हो 35 से और आपको एक नंबर मिलता है जो कि रिमाइंडर कोई भी नहीं बचता उसमें तो अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करते हो यू गेट अ सेवन सेवन से डिवाइड करते हो तो यू गेट अ एंड इन दिस वे देर इज नो रिमाइंडर तो वो नंबर्स जो हैं वो उसके फैक्टर्स बन गए फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवन इंटू फाइव अगर हम फिर से वही वाली बात करें थर्टी फाइव इसका प्रोडक्ट है जिसको हम मल्टीपल भी कहते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है तो सेवन को पांच दफा मल्टीप्लाई किया है हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया है पैंतीस थर्टी फाइव सेवन एंड फाइव आर द फैक्टर्स अब हमें पता है कि सेवन और फाइव जो है वो उसके फैक्टर्स हैं किस वजह से इस वजह से क्योंकि उन दोनों को आप इससे डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता एंड है आपको पता है कि 1 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे टेन आ जाएगा ये दोनों क्या हो गए उसके फैक्टर्स हो गए कोई रिमाइंडर नहीं बचा वन मल्टीप्लाई बाई टेन इज इक्वल टू टेन एंड सेम फॉर टू एंड फाइव टू मल्टीप्लाई बाई फाइव क्या होते हैं So स को लिस्ट कर लिया है ये सब जो है इनका प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह टेन बनता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता दैट इज वाई देर फैक्टर्स ऑफ टेन लेट्स गो प्रोसीड फर्दर अब फैक्टर्स हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं वैसे तो डिवीजन इज ए वेरी इजी वे कि अगर आपको देखना हो कि ये नंबर किसी नंबर का फैक्टर है या नहीं है जैसे 840 का फैक्टर है या नहीं है आप 40 को 8 से डिवाइड करके फॉरन देख सकते हो उसके अलावा अगर आपको किसी के पूरे लिस्ट करने हो, तो उसका क्या तरीका होता है टू से डिवाइड होता है थ्री से डिवाइड होता है फोर से डिवाइड होता है चेक करते जाएं

We started from one. हमने हमने देखा कि को को हम 18 से से करते हैं, तो 18 आ आ जाता है. किया, हमारे पास गया फिर हम गए थ्री पर one, two, three से चेक किया एटीन को जब थ्री से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया सिक्स जिसका मतलब है कि यस yes, ये सिक्स से भी मल्टीप्लाई होता है इट इज ऑल्सो अ फैक्टर मल्टीपल ऑफ सिक्स

1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा 32 इटसेल्फ सो दैट इज 1 2 ये दोनों हो गए फैक्टर्स ऑफ 32 फिर हम चेक करते हैं 2 के साथ 2 जो है वो किस तरह से आ सकता है इसके टेबल में सो 2 व्हाट इज 32 वी कैन डिवाइड 32 बाय 2 अगर आप 32 को 2 से डिवाइड करके आए जल्दी से तो आपको आंसर मिलेगा 16 टू इंटू सिक्स थर्टी टू ये दोनों और फैक्टर्स हो गए थ्री से चेक किया तो हमें पता चला कि थ्री से कहीं पर भी डिवाइड नहीं होता थर्टी टू बिकॉज थ्री टेन थर्टी एंड थ्री इलेवन जटी थ्री दरमियान में थर्टी टू के लिए थ्री का कोई भी मल्टीपल नहीं आता सो so वीर we'll को छोड़ देंगे फोर पर जाके देखेंगे एंड वेन we divide टू बाई फोर वी गेट एन एट इससे क्या हो गया इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये मल्टीपल है फोर इंटू एट फैक्टर्स आगे देखते हैं हम देखते हैं फिर एट से ही डिवाइड होता है बट बिकॉज एट हो चुका है हमने कहा है कि जब फैक्टर रिपीट होना शुरू हो जाए तो हमें नहीं लिखना होता है इसका मतलब है हम फर्दर नहीं लिखेंगे एंड दिस इज इट तो ये छह फैक्टर्स हो गए थर्टी टू के 1, 2, 4, 16, 8, 32. इनको आप इस तरह से लिस्ट कर लोगे और आपके पास सारे फैक्टर्स थर्टी टू आ जाएंगे तो इस तरह से हम नंबर्स के फैक्टर्स को निकालते हैं अगले जो तो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में जो उसके रूल्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए देखना कि कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है then we'll talk about multiples and inshallah after that we'll be jumping on to our exercise 3.a looking forward to doing that with you students see you again soon